मैं रवि कुमार कपूरथला तो तुसी देख सकते हो कि ये आदमी कपूरथला दे विच जो कि शालीमार बाग दे विच है जो कि घरों गरीब है और ते घरों किस तरह भी कढ़िया होया है जो कि इस आदमी देख सकते हो जो कि इत्थे चढ़दी कला संस्था वालों जो कि इत्थे इत्थे किहड़ी जगह लैके जा रहे सारे इन्हां नूं लैके जा रहे फगवाड़ा इन्हां नूं फगवाड़े गुरु नानक आश्रम दे विच वृद्ध आश्रम दे विच उन्हूं कढ़िया जाएगा जो कि यह संस्था है चढ़दी कला संस्था बहुत ही अच्छी संस्था है अते इस आदमी नूं चढ़दी कला संस्था वालों जो कि नहलाया भी जा रहा है अते किन्ने दिनां दा वो नहा भी नहीं खड़ा भी नहीं हो सकता है देख सकते हो चढ़दी कला संस्था दे जो कि साडे मैंबर प्रशासन डीसी नूं ईमेल पाई असी एक महीना पहला कि बंदा लवारे से भुखा मरता है कोई रेमेंट कर दो उन्होंने नहीं किया फिर दी फोटो पाई अपने नाल मैं सेल्फी पाई हुई है डीसी नूं उन्होंने कोई ये बारे कुछ नहीं ना पता देखने आया ये बंदा भुखा मारे कोई रोटी दे दिंदा इन कोई इन पानी पिला दिंदा वा करोड़ा मच्छर उन्होंने वढ़ते पे है ये मैं कहना सलाम करता बंद चढ़दी कला सरबत दा भला समाज सेवी सोसाइटी के सदस्यों ने कपूरथला के शालीमार बाग में लावारिस हालात में मिले मंद बुद्धि आदमी को नहला धुला के साफ कपड़े पहना कर फगवाड़ा के वृद्ध आश्रम में भेजा। कपूरथला से गौरव मड़िया की रिपोर्ट लाई भारत। हाँ जी सर, की नाम अपना? मैं रिटायर्ड सीनियर कमांडेंट सुमन कुमार CACISF तो है इतने रहना कपूरथले का जम्मा पलिया मैं इतने ही है। अज जो ये आदमी है की नाम की पता कुछ इदा नाम लाटू छोड़ हम लाटू कह रहे हैं कहते हैं फिर पहले हलवाई का काम करता हूं हलवाई का काम करता सी लंगर लाए खूब इन्हें कई लोगों ने पैसे भी नहीं दिते उन्हें बहुत पुण्य का काम करता सी मंदिर गुरुद्वार का हूँ इन की प्रॉब्लम हुई है किन्नी केज का होगा तुहाडे सामने ये मैं पूछा सी इहदी 48 साल दी हां 50 दे लगभग हैगा इह ते इह इत्थे अपना शालामार बाग के अंदर इतने अपना मच्छरों के बच्चे देना बिना बिजली तो बिना पखे तो किन्ने साल तो रह रहा इन्होंने घरदू कोई कन्फर्म किया जो कोई दस है हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाभी मिले ये अनमैरिड हैगा ये अनमैरिड है तो ये अपना यदा भरा खत्म हो गया तो बाकी ये घर देखे आए अभी भाभी घरों क्या हाँ जी हाँ जी घरों क्ढे समझ लो जी अपने इतने बहर ही रहता जी कोई घरों कोई इन सपोर्ट कुछ नहीं है ठीक है चढ़दी कला उन्होंने नवाया दो तीन दिन पहला भी नवाया अज भी नवा डे है इन्होंने एक गड्डी एम्बुलेंस की हुई है अज कित्थे लेके जा रहे एम्बुलेंस जो आई है असीं इहनूं गुरु नानक आश्रम हैगा एक पिंड विरका दे विच प्रशासन फेल है इत्थे कोई वृद्ध आश्रम नहीं हैगा ये बंदा एक देखो एक बंदा किसी भी धर्म का होवे और बेचारा मरण के किनारे हैगा वा ते इहनूं कोई मंदिर गुरुद्वारे कोई इहनूं मैं पुछिया मैं धर्म सभा गल कीती मैं कहा कि इदां दा एक बंदा हैगा वा उह कहिंदे जी साडे कोल कोई रेमेंट नहीं हैगा बाकी मंदिर रेमेंट कहते कोई रेमेंट नहीं साढ़े को इन्होंने सानू धर्म सभा वाले ने इन्होंने कहा कि साडा एक रेलवे स्टेशन के कोल आर्या समाज की धर्मशाला बनती पई है उत्थे 15-16 कमरा बन गए कमरे बन गए उत्थे नूं शिफ्ट करांगे और मैं क्या तद तक जिंदा रहेगा ताइयों शिफ्ट करोगे हुण इहदा रेमेंट की हैगा वा कहिंदे साडे कोई रेमेंट नहीं हैगा डीसी कपूरथला नूं मेल पाई महीना पहला दोबारा फिर फोटो पाइया कोई जवाब नहीं मैं अपना मोबाइल नंबर लिखा आया सीनियर सिटीजन सीनियर कमांडर लिखा आया मैं कोई पुछता नहीं है इतने लोग मंदिरों को जाते हैं सेवा करते आ करते ये जिंदा भगवान है ये जिंदा भगवान है कि बैठा है ये मूँह लोग उ जाके मंदिरों से दुध रोड़न डे है दुध चढ़ा डे है मैंने इनू मैं नहीं देखा किसी दें ना दुध देंगे ना किसी दें एक सरदार साहब है साढ़े लागे वो इन्होंने है उन्होंने रोटी देन डे है मैं जो मैंने कहना की खाना वा उन्होंने दे दीदा सी अही ठीक है जी कभी गर्मी के और मैं कहना ये रब ने बचाया इनू ये नरक ही कटिया वा धन्यवाद सर जो कि इतने गुरु नानक आश्रम जो कि फगवाड़े उत्थे लेके जा रहे इन्हों तुसी की कहना चाहते हो
देखो जी बहुत वधिया इत्थे इहदी जिंदगी इन्नी नरक होई पई सी कि होर थोड़ी देर रहिंदा तां मतलब बहुत ज़्यादा बीमारियां हो सकदियां। ये साडे सुमन भनोट जी सी आई सच कमांडर रिटायर जिन्हां ने उपराला कीता ते उन्हां नूं अपनी जगह ते पहुँचाया। ये सरदार जी बिजली बोर्ड चों रिटायर जई इन्हां ने भी बहुत उपराला करके रोज़ उन्हों रोटी पानी नहाते सारा करते सी, पर हुण इत्थे दीआं संस्था कोई इदां दा काम नहीं करदियां भी जिहड़ा मतलब इदां बजुर्गां नूं सांभण वास्ते भी कोई होना चाहिए। तो असी ता भी बहुत धन्यवाद हाँ चैनल के भी जिन्होंने आण के कवरिंग की। थैंक यू। सब तो पहला तो वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह। असी अज इतने कपूरथले के असी रहन वाले हाँ और साड़ी सेवा सोसायटी आ फ्रेंड सर्कल की चढ़ती कला सरबत्त का भला सेवा सोसायटी कपूरथला सानू 10-12 दिन पहला ये बाबा जी इतने बैठे सानू दिखे शालामार बाग विखे। असी इन्हों बाद सारे फ्रेंड ने सर्कल ने सोसायटी ने ना एक मता पा के मतलब कि सोच विचार के सारा इन्हों की सेवा की आन के सारी साफ सफाई की। लेकिन 2-4 दिन के असी साढ़े को कल अंकल जी होनी आए हैं और इन्होंने साड़ी सोसायटी संपर्क किया और इन्होंने सानू कहा कि इस भी अंकल जी होना आप फगवाड़े विखे कोई अनाथ आश्रम हैगा उसे छड़ के आना। तो असी एंबूलेंस भी अपनी लैके आए हैं सेवा सोसायटी वालों और असी कहने कि चलो नरक की जिंदगी दे विचों निकल के हुण स्वर्ग की जिंदगी जावे क्योंकि हुण नरक की जिंदगी जो जदों आपां किसे नूं कढ़दे आं तां परमात्मा भी खुश हुंदा। तो साडी सोसायटी का यही मकसद हैगा कि नरक की जिंदगी चों जिहड़े आम लोड़वंद लोग आ नरक की जिंदगी भोग रहे उन्हां नूं नरक की जिंदगी चों कढ़ के तो असी भी कुछ ना कुछ परमात्मा नूं मूंह दिखाउंदे लायक होईए। तो अही तुहाडे सामणे आ इन्हां नूं पहलां इशनान करवाया सेवा सोसायटी असीं इन्हां दा भी धन्नवाद करदे आं जिन्हां ने साडे नाल संपर्क कीता और असीं नमाणे जे सेवादार आ। बड़ी खुशी होई कि अज साडे नाल सारे बजुर्ग साडे नाल खड़े आ असीं इन्हां दे बच्चे आ अगे तों भी अही होर सेवा करन दी कोशिश करांगे। ते तुसीं इन्हां नूं बिरध आश्रम रखोगे हुण? हाँ जी आस ते अही करदे हां जी कि चलो जदों इदां बजुर्ग सियाणे साडे नाल खड़े ने ते बणाउण दी कोशिश करांगे कि वध तो वध जिहड़े इत्थे कपूरथले दे लागे इलाके दे लागे छागे कोई इत्थे जो कि तुहाडा बिरध आश्रम है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट आ जी कोई उहदी सेवा नहीं रोटी पानी जूस उहदा कपड़ा लीड़ा दवाई दारू सारी असीं फ्री करांगे जे महाराज ने कृपा कीती महाराज दे हत्थ वसा जी सारा। साडा भी कहना वा कि इत्थे कपूरथले ही बिरध आश्रम होना चाहीदा वा इत्थे मंदिर तां बहुत हैगे आ लेकिन बिरध आश्रम सानू फगवाड़े लभना गूगल ते लभना पिया मैनू गारंटी कोई नहीं एक एक दिन सानू विचार असि कुछ नहीं करते वाहेगुरु और महा महा महाराणी चिंतपुर्णी माता ले लो वैष्णो माता जी भगत जी है उन्होंने भी कृपा हो रहा वा ओ इकट्ठे होए उपरों आया वा असी कुछ नहीं है अपना बस बाकी एक इलाका निवासियों असी चढ़दी कला सरबत्त दा भला सेवा सोसायटी वालों बेनती करनी चाहते हैं अगर जे कोई भी इदा का लोड़वंद व्यक्ति इलाके दे विच तुहाडे घर दे आंढ गुआंढ नंबर बोल देना ते असी तुहानू ये महला गुरु नानक नगर चूड़वाल चुंगी पुलिस लाइन नज़दीक उत्थे साडा मुख दफ्तर आ जी और जेहड़े कॉन्टैक्ट नंबर है 98555 48137 90 457 39 752 79 868 43 468 नंबर से तुम संपर्क कर सकते हैं और फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब चैनल भी है साडा और उन्हें सबसक्राइब करो और जे कोई लोड़वंद व्यक्ति इदा का कोई है तो साढ़े संपर्क करो असी सेवा कर हाजिर हाँ जी 24 घंटे और एंबूलेंस की सेवा भी अही फ्री ऑफ चाहे कितने भी है चाहे जलंधर है चाहे कपूरथले फिर भी पहला फिलहाल तो असी कपूरथला एरिया च रखा जी क्योंकि हाले शुरू किया कपूरथला एरिया। धन्यवाद। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह।